नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात के साल के आखिरी एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 108वां एपिसोड उनके लिए बेहद खास है। 108 अंक का भारत की प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं में अहम स्थान है। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत में देश को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मन की बात सुनते आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु साय भी दिखे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जमवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, बीजेपी प्रदेश महामंत्री पवन साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल का अवलोकन किया। आपको बता दें कि डॉक्टर यादव ने संस्थान के पुस्तकालय, बैठक कक्ष, लेक्चर हॉल और अन्य कक्षों का निरीक्षण कर संस्थान की कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मुख्य सचिव बीरा राणा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह और संस्थान के एडिशनल CEO लोकेश शर्मा उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 2014 से पहले किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को उनका PF वापस नहीं मिलता था। वो सरकारों के पास जमा होता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिक ID नंबर देकर इस रास्ते को साफ कर दिया। आज कोई भी मजदूर चाहे किसी भी राज्य में जाकर काम करे, अगर उसका PF कटेगा तो उसी के खाते में आएगा। एक उदाहरण के लिए एक नाम आपको कहूंगा कि उसके पहले 2014 के पहले किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को उसका PF कभी उसको वापस नहीं मिलता था। वो सरकारों के पास जमा होता था सेस के रूप में, लेकिन मोदी जी ने यूनिक आइडेंटिटी नंबर देकर इस रास्ते को साफ किया और आज कोई भी मजदूर देश के किसी भी राज्य में जाकर मजदूरी करे, अगर PF उसका कटेगा तो उसी के खाते में आएगा। इस अचीवमेंट को लोगों को नहीं पता शायद, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि गरीब आदमी का मेहनत का पैसा उसको मिलता है, उसमें उसका शेयर होता है, उद्योगपति का होता है और सरकार का होता है। उद्योगपति से मतलब जो वर्किंग एजेंसी है वो। केंद्रीय योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ और छूटे हुए हितग्राहियों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा से आम नागरिकों को काफी फायदा मिल रहा है। यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविर में दिन प्रतिदिन लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं आज कोटा विकास खंड के रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से नागरिक जिन्हें अब तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, वे इन योजनाओं के लिए आवेदन दे रहे हैं और इस शिविर के जरिए लोगों को शासकीय योजनाओं की भी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि शिविर में आवास योजना, स्वास्थ्य परीक्षण, साथ ही उज्ज्वला योजना से हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। तो संकल्प का योजना है यहाँ आज हमारे रतनपुर महामाया नगरी वहाँ पे शिविर लगा हुआ है, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का है, उज्ज्वला योजना का है और आवास योजना का है। इसका हम सभी रतनपुर वासी ने फायदा मतलब उठा रहे हैं इसमें। क्या आप भी इस योजना को लेने? हाँ, इसमें हम भी फायदा उठा रहे हैं इसमें। शासन से हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा का निर्देश प्राप्त हुआ था और निर्देशानुसार जो है आज 30/12/2023 को इस यात्रा का आज यहाँ शिविर था। इस शिविर में भारत सरकार और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी योजना हैं, ऐसे योजना जो जन कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का ये शिविर था। और ये शिविर में 13 विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए हैं और आम जनता से प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण कर रहे हैं। जो लाभार्थी के मामला है उसमें तत्काल लाभान्वित किया यहाँ विभाग के द्वारा इस शिविर में किया जा रहा है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में शीतला मंदिर में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें अक्षत कलश के दर्शन पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अक्षत कलश से बंधे कलावे को छूकर भक्त प्रभु राम के प्रति नमन किया। यात्रा में भव्य अयोध्या मंदिर की झांकी देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब कलश यात्रा मुख्य मार्ग से बाजार में आई तो लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा में बैंड के साथ श्री राम के भजनों पर थिरकते हुए लोग देखे गए। हमारे अभी रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में होने जा रही है। उस परिप्रेक्ष्य में आज अयोध्या से जो कलश यात्रा जो लाई गई थी उसकी भव्य यात्रा बालोद नगर में हिंदू समाज एवं बालोद नगर वासियों द्वारा किया गया, जिसका भव्य स्वागत आज नगर के विभिन्न चौक चौराहे पर की गए और यहाँ पर जो अक्षत अयोध्या धाम से आएगी उनको बांट कर उनको निमंत्रण दिया गया कि आप भी वहाँ भव्य जो राम मंदिर बन रहे हैं उनका आप दर्शन का लाभ उठाए। देखो 500 वर्षों की तपस्या के बाद श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है, जिसके कलश यात्रा नगर में पूरा देश में पूरा हिंदू समाज में आज इतना गौरवान्वित का बात है, बहुत खुश है लोग और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है जिसमें हम सब मिल करके इसमें भाग लिए हैं। बहुत आनंद लगा मेरे को, बहुत खुश हूँ मैं तो, और पूरा बालोद नगर वासी बच्चे बच्चे गली गली कोने कोने हर वो हिंदू समाज हर वो शख्स हर वो अध्यात्म से जो जुड़े हैं जितने लोग सारे लोग बहुत। आगे बढ़ते हैं। भिंड जनपद पंचायत में उपयंत्री के पद पर पदस्थ दीपक गर्ग के द्वारा फरियादी संजीव गुर्जर ग्राम पंचायत द्वार रोजगार सहायक से खेत तालाब निर्माण के भुगतान और मूल्यांकन के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी और फरियादी पर दबाव बनाया जा रहा था कि यदि रिश्वत नहीं दी तो रिकवरी निकलवाकर नौकरी से हटवा देंगे। तब फरियादी के द्वारा ईओडब्ल्यू कार्यालय ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई, जिस पर भिंड में ईओडब्ल्यू की टीम आई और फरियादी ने उपयंत्री को रिश्वत देने के लिए लहार चुंगी के पास बुलाया। फिर जैसे ही फरियादी ने उपयंत्री को 25,000 रुपये की रिश्वत दी तो ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ, फरियादी संजीव गुर्जर रोजगार सहायक ग्राम पंचायत द्वार हरकापुरा द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ईओडब्ल्यू ग्वालियर को दिनांक 28 तारीख को एक आवेदन पत्र दिया गया था कि उपयंत्री दीपक गर्ग जनपद पंचायत भिंड के द्वारा 72,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है, जो उनके द्वारा एक खेत तालाब का निर्माण कराया गया था उसके भुगतान और मूल्यांकन के एवज में। तो इस पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदन मुझे दिया गया, उस श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मार्गदर्शन में रिकॉर्डिंग कराई गई, तो रिकॉर्डिंग में उनके द्वारा 60,000 रुपये की पर बात सेटल, उन्होंने कहा कि 60,000 रुपये दो उसमें काम हो जाएगा। तो इस पर से वो रिश्वत देना नहीं चाह रहा था, उसके द्वारा ट्रैप की कार्रवाई करने के लिए कहा गया, तो जिस पर से आज दिनांक को इनको 25,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों। एक जनवरी को बुंदेलखंड के पन्ना जिले के पवई के सिद्ध स्थल हनुमान भाटे एवं माँ कलेही मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुस्त दुरुस्त दिख रही है। थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा के निर्देशन, SDOP सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। यातायात व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि सलेहा अमानगंज कटनी से आने वाले लोगों के वाहन पार्किंग स्थल छत्रसाल स्टेडियम में हो गए। आपको बता दें कि साथ ही मोहंद्रा मार्ग से आने वाले वाहनों के लिए महेड़ा में वाहन पार्किंग स्थल बनाया गया है। माँ कलेही मंदिर जाने वाले मार्ग में केवल पैदल ही लोग आ जा सकेंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री साई कृष्ण एस छोटा जी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महोदय श्रीमती आरती सिंह और श्रीमान SDOP महोदय श्री सौरभ
रत्नाकर के मार्ग निर्देशन में जो एक 2024 को हमारे जो यहाँ पवई में सिद्ध स्थान है माता कलेही का मंदिर और हनुमान फाटा का जो मंदिर, यहाँ लाखों लोग आते हैं इनके लोगों की अशांतिपूर्ण तरीके से इनकी व्यवस्था जमाने के लिए और इस तरीके इस पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31/12/2023 के रात्रि 12 बजे से जो रोड मोदरा रोड है जो पूर्ण रूप से फोर व्हीलर बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा, जो लोग शिमरिया मोहतरा के माध्यम से पवई आना चाहते हैं तो उनसे अपील की जाती है कि वो अमानगंज के माध्यम से पवई आएँ और जो लोग पवई से शिमरिया तरफ जाना चाहते हैं उन लोगों से अपील करते हैं कि वो भी अमानगंज से घूम के आएँ और जिन लोगों को कटनी या सतना तरफ जाना है वो लोग बाय रेपुरा जा सकते हैं। जो लोग यहाँ तलेहा या अमानगंज तरफ से पवई माता मंदिर में जाएंगे उन लोगों के वाहन की व्यवस्था हमने छत्रसाल पार्क में रखी है और जो लोग मोहतरा तरफ से माता कलेही या हनुमान भाटी के दर्शन करने आते हैं उनके सभी पार्किंग की व्यवस्था हमने गोल्डन सिटी के अंदर की है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस भव्य कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए इसका सहयोग करें और वाहन पार्किंग बताए गए स्थान पर वाहन पार्किंग करें क्योंकि गोल्डन सिटी और यहाँ रेंज बरिया से टोटल फोर व्हीलर टू व्हीलर टोटल सभी वाहन बंद रहेंगे, किसी भी वाहन को अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी, जो भी जाए पैदल जाए और शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को संपन्न कराएं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला बस्तर के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा जगदलपुर शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश नववर्ष को लेकर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संस्कृति को प्रभावित करने वाले ऐसे कार्यक्रम करवाने वाले आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर को ज्ञापन सौंपा एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेताओं ने यह भी कहा कि प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्रवाई करेगा, जिसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं कार्यक्रम को आयोजक जिम्मेदार होंगे। डीजे के विषय में यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है रात को 11 बजे के बाद एकदम साउंड में नहीं चलाना है, किंतु थोड़े एरिया में रात को 12 बजे तक चलेगा और उसमें बधाई देते हैं, उस चीज के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घर घर घूमेगा, शायद डीजे को भी तोड़ फोड़ भी कर सकता है अगर शासन प्रशासन नहीं करेगा तो। उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं डीजे के मालिक ही होंगे किंतु बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय का आदेश हिंदुस्तान में रहना है तो उसको पाल के रखना ही पड़ेगा और व्यवस्था बना के रखना ही पड़ेगा कि एसडीएम साहब को अगर नॉलेज में नहीं है तो पूरा नॉलेज लेके परमिशन देना था या नॉलेज में छुपाया हुआ है तो आज भी उनके पास कलम का ताक है। एवं शहर के आसपास के ग्रामीण परिक्षेत्र में अनर्गल इवेंट का प्रोग्राम कई जगह आयोजित किया गया है, तो संबंध में जो राष्ट्र की संस्कृति को प्रभावित करने वाले पश्चात संस्कृति को लेकर कई प्रकार के प्रोग्राम आयोजन हुआ है जिसका हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर विरोध करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन देने आए हुए थे यहाँ और उनके खिलाफ जो इस प्रकार के इवेंट अनर्गल इवेंट का प्रोग्राम रखे हैं उनका घोर निंदा करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और आज हम लोग पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे और ज्ञापन देने भी आए हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी गण, जो अभी लगातार इवेंट के नाम से जो शहर एवं ग्रामीण में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो हमारे संस्कृति परंपरा का कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और उसमें कुछ गलत तरीके से गाना बजा के नशा करके जो रात भर नाचना वो हमारे संस्कृति परंपरा में नहीं है, जिसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर निंदा करता है। हम ऐसे कार्यक्रम कराने वाले का भी हम विरोध करते हैं, उसी पे आज पुलिस प्रशासन से हमने आग्रह किया है कि ऐसे जो गुना में हुए बस हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है, वहीं राज्य सरकार एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के तहत बेटमा पुलिस के द्वारा भी वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के अंतर्गत बेटमा पुलिस के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, वहीं वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है, साथ ही दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट, चार पहिया
वाहनों में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर तथा यात्री बसों के फिटनेस, बीमा, परमिट, ओवरलोडिंग आदि को लेकर चालान की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के पालन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एवं SDP साहब के निर्देशन में आज थाना बेटमा द्वारा वाहन चेकिंग की कार्रवाई की गई है। वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पहने वाहन सवार चालकों के विरुद्ध, बिना सीट बेल्ट लगाए चालकों के विरुद्ध एवं बॉडी से बाहर ओवर रूप से वेट लटकाए हुए लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई का अभियान है। यह अभियान के अंतर्गत में बसों के परमिट, बिना परमिट चलने वाले, अनफिट, बिना फिटनेस लिए चलने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान है। इस अभियान के तहत में थाना बेटमा द्वारा आज कई वाहन चालकों के विरुद्ध में चालानी की कार्रवाई की गई है और साथ ही उनको समझाइश भी दी जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं और जो है सुरक्षित तरीके से वाहन को अपना चलाएं। यह अभियान जो है लगातार जारी रहेगा और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध में सख्त से सख्त। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। इन दिनों आपको बता दें कि लूंडा वन परिक्षेत्र में 27 हाथियों का दल अलग अलग जगहों में विचरण करता दिखाई दिया। हाथियों के हमले से खुद को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों को कड़ाके की ठंड में आपको बता दें कि रतजगा करना पड़ रहा है। वहीं वन विभाग लोगों को आपको बता दें कि हाथियों की ओर से जो भी नुकसान हो रहा है उसके लिए कोई भी ऐसी कार्रवाई वन विभाग नहीं कर रहा है, इससे लोगों को दिक्कत ना हो। बेटमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड माचल के सामने एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मृतक रितेश पिता भगवान सिंह राजपूत, उम्र 28 वर्ष, इंदौर से अपनी बाइक से बेटमा की ओर जा रहा था। मृतक आपको बता दें कि ओम गीजर सुधारने का काम करता था, इसी सिलसिले में बेटमा जा रहा था। मृतक के पास उसकी बाइक और RO तथा गीजर सुधारने का सामान भी मिला है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को बेटमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया, उसके बाद परिवार को सौंप दिया गया है। थाना बेटमा पर सूचनाकर्ता शिवम पिता सूरज सिंह जाति राजपूत निवासी इंदौर के द्वारा सूचना दी गई कि इसके ब्रदर रितेश पिता भगवान सिंह सरवर जाति राजपूत 28 साल का शव जो है ग्रांड माचल के सामने हाईवे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मृत हालत में मिला है। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा इसमें मर कायम किया गया और मौके पर जाके शव पंचायतनामा कार्रवाई की गई और परिजनों के द्वारा जो जानकारी बताई गई कि मृतक जो है इंदौर में RO का और गीजर वगैरह सुधारने का कार्य करता था, मिस्त्री का काम करता था ये, और बेटमा में ये इसी काम के सिलसिले में आया हुआ था और इसकी मृतक की जो है इसके बड़े भाई से कल शाम को बात हुई थी कि मैं बेटमा में हूँ और काम से आया हूँ और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये बताया था। मृतक के पास में जो है उसकी मोटरसाइकिल, उसके काम करने के सामान का बैग, उसका पर्स, उसका मोबाइल वो भी मिला है, जिसे पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। प्रखंड में मर कायम कर जांच की जा रही है। मृतक के शव का जो है PM बेटमा अस्पताल से कराया गया है, जहां PM रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य भारत में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।